हाय नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बिल्कुल भी हम वक्त जो है नहीं गवाएंगे। सीधा सीधा हम आप सभी को राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का टाइम टेबल बताने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान कक्षा 8वीं 2024 वालों ने जो है टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो टाइम टेबल कुछ यूं प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी की परीक्षा का जो टाइम रहेगा वो दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे रहेगा। यानी आप सभी के जो टाइम रहेगा बच्चों वो रहेगा 2 घंटा और 30 मिनट। बच्चों आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हर बार आप सभी के बताया कि 2 घंटा और 30 मिनट का रहता है वक्त आप सभी की परीक्षा कार्यक्रम के लिए, तो इस बार भी सेम टू सेम कार्यक्रम है। लेकिन समझिएगा उस बार गर्मी में दोपहर का काम है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, गर्मी रहेगी बहुत कड़ाकेदार राजस्थान में इस टाइम जो मार्च महीना होता है वहां पे। फिर वहां पे दोपहर के 2 बजे परीक्षा देना देके जाना मतलब बहुत मुश्किल काम रहेगा। नर्वसनेस बहुत बहुत मुश्किल आएगी जिंदगी में, लेकिन डरना नहीं है, किसी भी चीज से जाके तोड़ना एग्जाम और फोड़ के आना है। अब बात करते हैं आप सभी के लिए परीक्षा के पेपर के लिए। गाइस सबसे पहले आप सभी के दिनांक है, वार है और विषय है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। तो 28 मार्च को आप सभी के पेपर है, 28 मार्च को, 28 मार्च यानी अभी जो चल रहा है गाइस वो चल रहा है फरवरी, यानी लगभग मार्च के एंडिंग वीक में, यानी अप्रैल के स्टार्टिंग में आप सभी की जो परीक्षा होगी वो आयोजित होगी। विषय 28 मार्च गुरुवार का दिन होगा, अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी गाइस गुरुवार, ठीक है। फिर शुक्रवार के दिन यहाँ पर गुड फ्राइडे अवकाश हो जाएगा, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन परीक्षाएं आयोजित नहीं होती है, शुक्रवार और रविवार के दिन। आपको ये तो पता ही था कि रविवार को आयोजित नहीं होती, लेकिन शुक्रवार को भी कभी परीक्षा आयोजित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार को क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट कार्यालय, उन पर गुड फ्राइडे का छुट्टी रहती है, इसलिए गाइस सभी की छुट्टी रहती है, ठीक है। अब 29 मार्च 2024 को यहाँ पर शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे अवकाश है। फिर उसके बाद 30 मार्च 2024 को शनिवार के दिन गणित विषय का पेपर है। गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम टेबल का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो 23 मार्च 2024 को शनिवार को यहाँ पर गणित विषय का पेपर होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं तो अगर 1 अप्रैल 2024 सोमवार को विज्ञान विषय का पेपर रहेगा। फिर बात करते हैं आगे कि 2 अप्रैल 2024 को मंगलवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। फिर बात करते हैं आगे का 3 अप्रैल 2024 को बुधवार को हिंदी विषय का पेपर रहेगा। फिर बात करते हैं आगे वाले के तो 4 अप्रैल 2024 को गुरुवार को यहाँ पर जो है संस्कृत विषय का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक अंग्रेजी का यहाँ पर 28 मार्च को, 2 गणित का, फिर 3 विज्ञान का, फिर 4 सामाजिक विज्ञान का, फिर 5 हिंदी का और 6 संस्कृत का। तो ये 6 के 6 पेपर मैंने यहाँ पर टाइम टेबल बता दिया है 28 मार्च को। इस बार क्या है कि आपके ये लो से विज्ञान, समझे विज्ञान, हिंदी में इनमें आपके तैयारी करने का गैप नहीं है, लेकिन बच्चों कोई ना नर्वसनेस और जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म हो जाएंगे वो भी अच्छी बात है कि आप ज्यादा टेंशन या लोड नहीं लोगे, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं रहता है, तभी भी ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स आते हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पर 28 मार्च के दिन ये पूरा पेपर, 28 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल। अब गाइस जैसे मैंने आपसे वादा किया कि भाई आप ये टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करोगे, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ टाइम टेबल आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी गाइस, तो टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल आप सभी के मोबाइल में गूगल जरूर से होगा। गूगल पे आपको सर्च इंजन पर क्लिक करना है, सर्च करना है STUDY स्टडी विलेज, आप सभी को ये स्टडी विलेज सर्च करना है, और यहाँ पर ये स्टडी विलेज का होम पेज का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करते ही राजस्थान बोर्ड का जो टाइम टेबल है 8वीं का संपूर्ण टाइम टेबल जो है यहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से ठोके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, साथियों।